मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण सभा को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले राजनीति परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार की पर्यायवाची रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकासवाद में बदल कर रख दिया है। कि जब ट्रायल होकर के इंजेक्शन लगने की बारी शुरू हुई थी तो यही अखिलेश था जिसने कहा था ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, और चुपके चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकता रहा। ये है इनकी सरकारों का हाल और ये है इनके करतूत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही नहीं रुके हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि ये वैक्सीन, दो वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोज पहुंचा दिया है, ये भी समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किए हैं। यहीं से 7 जिलों का वर्चुअल वीडियो के जरिए शुभारंभ हुआ है। और आपको बता दें कि उनके साथ ही जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पे मौजूद रहे हैं। अभी आपको बताया कि कुछ ही देर पहले यहां से वर्चुअल रूप से ओपनिंग करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हुए हैं। उनके साथ जेपी नड्डा भी थे, स्वतंत्र देव सिंह भी थे, तो सुनील बंसल भी थे। ऐसे में पूरी तरह से देखा जा सकता है कि इस बार के चुनाव का 2024 का केंद्र बिंदु गोरखपुर और भाजपा कार्यालय होगा। गोरखपुर से प्राइम टीवी के हिमांशु श्रीवास्तव। श्रावस्ती जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे वन राज्य मंत्री केपी मलिक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वृक्षारोपण किया, जिसके बाद मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद प्राथमिक विद्यालय पटना खास पहुंचे, जहां फीता काटकर डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ मंत्री द्वारा किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है, हम हर जनपद में जाए, हर ब्लॉक स्तर पर जाए, देहात पर जाए, उनकी दिक्कतों को समझने का और देखने का काम करें। अगर कहीं लग रहा है हमारे सम्मानित जनों को सरकार की ज़रूरत है या कहीं विशेष दिक्कत है, उन दिक्कतों से हम सरकार को अवगत कराएं, आदरणीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएं, और मैं उन समस्याओं का ख्याल करते हुए उन समस्याओं का समाधान करने का काम करें, यही हमारे उद्देश्य है। अलीगढ़ में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान पहले विधि विधान और हवन पूजन अर्चना के साथ कार्यालय की शुरुआत की गई, साथ ही कार्यालय पर लगे पत्थर का भी लोकार्पण फीता काटने के साथ किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है, अनुशासन ही उसकी पहचान है, दूसरी पार्टियों के पास ये ताकत नहीं है, और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता सत्ता में आ जाने पर 6 महीने में बड़ी बड़ी गाड़ियों में पिस्टल और रिवॉल्वर लेकर चलते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन 8 जिलों में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए देवालय समान है, पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज भाजपा वट वृक्ष बनी है। अलीगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मैं अपने सहयोगी मंत्रिमंडल में मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी के साथ और अपने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सांसद, विधायकगण और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जो अलीगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इस जो असदपुर कयाम में हमने कैंप लगाया है, इसमें कोविड की जांच, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड का बनाया जाना और चिकित्सकों की ड्यूटी है जो किसी भी बीमारी की दवा के लिए यहाँ उपलब्ध है। यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए ये हेल्थ कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पे उस हेल्थ कैंप में 4 चिकित्सक
सहित हमारा 30 का स्टाफ यहाँ लगा रखा है। अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत कस्बा कोड़ियागंज में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा नुपुर शर्मा के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि बीते दिनों भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगम्बर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। वही जुम्मे की नमाज को लेकर SSP कलानिधि नैथानी द्वारा नमाज स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी दौरान नमाज के बाद हुए प्रदर्शन पर तत्काल ही पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करा दिया। पूरा शांतिपूर्ण रहा और शहर क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं हुई है। और देहात क्षेत्र के एक जो अकराबाद एक कस्बा पड़ता है उसका कौड़ियागंज एक कस्बे में कुछ बच्चे वहाँ पर जो है उनको निकल आए थे और कुछ वहाँ पर प्रदर्शन स्वरूप कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन तत्काल पुलिस ने वहाँ पर उनको इंटरवीन किया और उनको उनके घर भेज दिया गया। वहाँ भी पूर्ण शांति, ऐसी कोई बात कहीं पर भी नहीं है और पुलिस विजिलेंट रही है और अभी भी आगे भी विजिलेंट रहेगी। जितने भी धर्मगुरु हैं और सम्भ्रांत लोग हैं सबसे कानपुर में 3 जून को हुए दंगे के बाद बीते दिन पहली जुमे की नमाज हुई। वह इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा और पत्थरबाजी का मामला सामने आया। दरअसल अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के तलवा पार इलाके में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस बल ने पहले तो लोगों से शांति कायम करने की अपील की, लेकिन जब प्रदर्शन उग्र होता हुआ पुलिस ने देखा तो पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद उपद्रवियों को खदेड़कर मामला शांत कराया गया। उन्हीं को डिस्पर्स किया गया है और उनके खिलाफ अभी मुकदमा कायम करके कायदे से विधिक कार्रवाई होगी। सर इतने गाइडलाइन इतने सब कुछ बना करने के बाद ये लोग निकले, सबसे वार्ता करने के बाद बाहर निकले हैं, इसलिए इसका वायलेशन है। बिना परमिशन के बाहर निकले हैं 20-25 की संख्या में। तो फिरोजाबाद में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालने का प्रयास करते हुए पुलिस को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। वहीं बेकाबू स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जिले के आला अधिकारियों ने कमान संभालते हुए पुलिस को धर्मगुरुओं का भी सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की भी इस दौरान अपील की गई। रसूलपुर थाने में थोड़ी सी प्रदर्शन की घटनाएं हुई और उसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की पूरी टीम संयुक्त रूप से पूरे दिन हम लोग चक्रमण करते रहे और जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको समझा बुझाकर, जो भी हमारे उलेमा हैं, जो भी हमारे व्यापार संगठन के थे और सिविल सोसाइटी के जो सभी हमारे लीडर्स थे उनकी मदद से हम लोगों ने उनको समझा बुझाकर और उनकी बातें भी सुनी और उनको शांत कराया। कुल मिलाकर कहीं भी कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। फिरोजाबाद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। देखियो, फिरोजाबाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है और इसमें हमारा जो पहले से होमवर्क था वो काफ़ी काम आया है, जिसमें हमने धर्मगुरु शासन के निर्देश पर सभी धर्मगुरु और सारे उलेमा और जितने भी हमारे पार्षद वगैरह, जितनी हमारी इंडस्ट्री है, सभी को हमने रीच आउट किया, सभी से हमने बातचीत की और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो नमाज वाला टाइम था पूरा हमारा सकुशल, सारा नमाज का सारा टाइम पूरा कम्प्लीट अच्छा निकला और उसके बाद में भी गली में एक छिटपुट सा प्रदर्शन जो है 50-60 बच्चे थे उन्होंने किया, वो भी हमने जल्दी से उसको समझा बुझा के। जनपद संभल में जगह जगह जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। वह इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जुमे की नमाज सकुशल जनपद में संपन्न हुई और पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में लगातार निगरानी रखी जा रही है, जबकि पुलिस बल भी अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट पर रहेगा और अगर किसी व्यक्ति द्वारा जनपद का माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में अनेकों स्थान पर जहाँ जहाँ जुमे की नमाज ट्रेडिशनली होती है आज वहाँ सकुशल संपन्न हो गई है। पुलिस के द्वारा सभी जगह पर लगातार निगरानी बनाई रखी गई है, हमारी फोर्स टोटल अलर्ट के मोड में है और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग आज शाम तक, उसके बाद अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट पर रहने का हम लोगों ने प्लान किया है
कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हमारे पास जो फोर्स बाहर से आया हुआ है उसके साथ लगातार निगरानी बनाई जा रही है, रूट मार्च किया जा रहा है और जो भी ड्रोन वगैरह की तरीके। बलिया से एक मारपीट का मामला सामने आया, जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी अब शुरू कर दी है। थाना मनियर के निपनिया गांव में आज दोपहर में एक ही समुदाय के दो बच्चों में पूर्व में दुकान के सामने जनरेटर को रखने को लेकर के विवाद हुआ था। उसी विवाद के क्रम में आज दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें दो लोग घायल हो गए। उनका इलाज पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए मौके से ही मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के संबंध में वादी पक्ष की तरफ से पुलिस को तहरीर भी प्राप्त हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तहरीर में दूसरे नामजद व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस प्रकार से तहरीर में नामजद दो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र में जब एक पक्ष की महिला दूसरे पक्ष के परिजनों की शिकायत करने उसके घर पहुंची, तो उस दौरान विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दबंगों ने शिकायत करने पहुंची विधवा महिला को ही लाठी डंडे से जमकर पीटा, जिसमें महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब उस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वह इस पूरे मामले पर नौतनवा सीओ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ग्राम परसिया बुजुर्ग थाना फरीदा, इसमें दो परिवार के बच्चों में आपस में खेलते समय मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, जिसका उल्लंघन देने गुलाबी देवी पत्नी स्वर्गीय कैलाश जब दूसरे पक्ष के घर पे गई तो उनके परिवार के लोग, जिनमें भगूती सनप परदेसी राजभर हैं और बाकी और पांच लोगों ने इनके साथ मारपीट की, जिन्हें कुछ अधिक चोटें आई हैं। तो इन लोगों की तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर फरीदा में क्राइम नंबर 112/22 अंडर सेक्शन 147, 323, 504, 506 और 308 IPC। अलीगंज में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां एक लड़ाई के बीच बचाव करने पहुंचे पिता और बेटे के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता और बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया। वही पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बदायूं में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद बाइक सवार युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। खबर बदायूं से आप देख रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।